हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आकाश फैक्ट्स और आज का वीडियो टॉपिक है अजीब दिखने वाले जानवर पार्ट टू। नंबर 15, मेटा मेटा। ये एक टर्टल का स्पीसीज है जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसके सेल पर बहुत ही ज्यादा कार्टल स्ट्रक्चर बना होता है और इसका सर भी बहुत ही अजीब है। नंबर 14, मैडरिन डक। ये डक नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ये देखने में डक नहीं लगता है क्योंकि इसके फीडर्स बहुत ही कलरफुल है। नंबर 13, बिल्वी। ये ऑस्ट्रेलिया के डिजर्ट्स में पाया जाता है। ये जीव ओमनीवोरस है और ये जीव बहुत ही रेयर है। ये देखने में एक खरगोश और एक चूहा लगता है। नंबर 12, लोलैंड स्ट्रिक्ट टेन रैक। ये जानवर मेडागास्कर में पाया जाता है। इसके बॉडी पर बहुत ही ज्यादा कांटा होता है। नंबर 11, सुंडा कोलोगू। इसे सुंडा फ्लाइंग लेमर भी बुलाया जाता है। ये इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर में पाया जाता है। इसके नाम से आपको लगता होगा कि ये उड़ सकता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता है। ये जानवर रात को जागता है और पेड़ पौधों को खाता है। नंबर 10, नारवेल। ये एक वेल का स्पीसीज है जो आर्टिक में पाया जाता है। आप जो ये सींग देख रहे हैं, ये सींग नहीं, उसका दांत है। वहाँ के लोग नारवेल का शिकार कर रहे हैं हजारों साल से उसके मीट और उसके दांत के, क्योंकि नारवेल का जो दांत है बहुत ही महंगा होता है। नंबर 9, थॉर्नी डेविल। इसे थॉर्नी ड्रैगन और थॉर्नी लिजर्ड भी बोला जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये 21 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। नंबर 8, स्टार नोस्ट मॉल। ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और ये जानवर अंधा होता है। इसके फेस पर बहुत ही ज्यादा सेंस रिसेप्टर होता है, उसी की मदद से ये पता करता है कि ये कहाँ जा रहा है। नंबर 7, माउस डियर। ये जानवर साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया और अफ्रीका में पाया जाता है। साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये ना ही डियर है ना ही माउस है, एक अलग ही जानवर है। नंबर 6, लीफ टेल गेको। ये जानवर मेडागास्कर में रहता है। इसका पूंछ बिल्कुल पत्ता लगता है। नंबर 5, पांडा एंट। ये सेंट्रल चाइल्ड में रहता है। ये रियल में एक एंट नहीं है, ये एक वाप्स का स्पीसीज है जिसके पास पंख नहीं होता और इसका कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल पांडा जैसा है। नंबर 4, आई। ये मेडागास्कर में पाया जाता है और इसका पूंछ उसके बॉडी से भी बड़ा होता है। नंबर 3, कैपरेन फ्रॉग। ये साउथ अफ्रीका में रहता है और ये वहाँ के खेत के आसपास पाया जाता है। नंबर 2, ट्री कंगारू। और ये न्यू गुआनिया में पाया जाता है और ये पेड़ पर रहता है। नंबर 1, कैपीबारा। ये जानवर साउथ अमेरिका में पाया जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रोडेंट है। रोडेंट उस जानवर को बोला जाता है जिसके सामने के दो दांत बहुत ही लंबे होते हैं नट्स खाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, या किस टॉपिक का वीडियो चाहिए ये कमेंट में बता दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।